আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা আশরাফিল আমবিয়াই ওয়া ইমামিল মুরসালিন নবীনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান সান্না বিসুন্নতিহি ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দ। ব্রাদারান ইসলাম, সালাত কে বাব মে मुसलमानों से जो गलतियाँ वाक़ होती हैं उनमें से एक गलती ये भी है कि नमाज अदा करते हुए बहुत सारे मुसलमान सुतरे का अहतमाम नहीं करते। सुतरा कहते हैं कि कोई आदमी नमाज अदा कर रहा है, अपनी नमाज को बातिल करने से बचाने के लिए कोई आदमी ऊंची चीज़ अपने सामने रख लेता है या किसी सुतून को सुतरा बना लेता है, दीवार को आड़ बनाकर नमाज अदा करता है या किसी आदमी की पीठ को ही सुतरा बनाकर नमाज अदा करता है, तो उसको शरीयते इस्लामिया में सुतरा कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में सुतरे का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज अदा करो तो ऐसी सूरत में सुतरे का अहतमाम किया करो। न सिर्फ सुतरे का अहतमाम करो बल्कि सुतरे के अहतमाम के साथ साथ मुसलमान को चाहिए कि सुतरे से करीब होकर खड़ा हो। सुतरा एक तरफ है और आदमी दूर होकर सुतरे से खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से रोक दिया, मना कर दिया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब कोई मुसलमान नमाज अदा करता है तो सबसे पहले उसको सुतरे का अहतमाम करना चाहिए और सुतरे के अहतमाम के साथ साथ आदमी को जब सुतरा रखता है तो सुतरे से करीब होकर नमाज अदा करना चाहिए। उसकी इल्लत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह बयान की ताकि तुम्हारी नमाज को ना काट सके, बातिल ना कर सके। कोई आदमी अगर सुतरे के बगैर नमाज अदा करते हुए सामने से गुजरता है तो उसकी नमाज में खलल वाक़ होता है, और अगर औरत का गुजर हो तो ऐसी सूरत में बसा औकात उसकी नमाज बातिल हो जाती है। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी एक हदीस में इसकी तरफ इशारा किया, तो नमाज में औरत के गुजरने से अगर उसकी नमाज बातिल होती है तो ऐसी सूरत में उसको ख़ास तौर जब घर में नवाफिल का या सुन्नतों का वो अहतमाम कर रहा हो तो उसको चाहिए कि नमाज पढ़ते हुए सुतरा रख कर नमाज अदा करे। और अगर कोई गुजरने वाला ना हो तो बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि कोई गुजरने वाला नहीं है लिहाजा हमें सुतरे की क्या हाजत है, सुतरे की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ वो सुतरे को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे कि कोई इंसान सामने से गुजरने वाला ना हो और मुसलमान नमाज अदा कर रहा है तब भी उसको सुतरा रख कर नमाज पढ़ना चाहिए, सुतरे का अहतमाम करना चाहिए। उसकी इल्लत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बयान की ताकि शैतान तुम्हारी नमाज को बर्बाद न कर सके, तुम्हारी नमाज को ज़ाया न कर सके। अगर कोई इंसान गुजरने वाला न हो तब भी इंसान को सुतरा रखकर नमाज अदा करना चाहिए, इसलिए कि शैतान उसकी नमाज में खलल पैदा कर सकता है उसके सामने से गुजरकर। तो शैतान चूंकि सामने से गुजरकर नमाज में खलल पैदा कर सकता है तो इस खलल को दूर करने के लिए और शैतान के गुज़र से अपने आप को बचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा हुक्म दिया इंसान को सुतरे का अहतमाम करना चाहिए। सुतरा कितना ऊंचा होना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में उसको वादे कर दिया, बयान कर दिया कि मिसल मुअख्खरत अर्रहल, ऊंट का जो कजावा होता है, कजावे का पिछला हिस्सा होता है, तो जितना ऊंचा वो होता है उतना ही ऊंचा इंसान को सुतरे का एहतमाम
होना चाहिए उतना ही ऊंचा अपना सुतरा बनाना चाहिए। ऊंट का कजावई का पिछला हिस्सा कितना ऊंचा होता है, उलमा ने अंदाजा लगाया, कहा कि तकरीबन 1.5 फिट। 1.5 फिट ऊंची कोई चीज इंसान रख ले, और सुतरे में एतबार लंबाई का होता है चौड़ाई का नहीं। अगर कोई बारीक लकड़ी ऊंची इंसान को मिल जाती है और उस बारीक लकड़ी को इंसान सुतरा बनाकर नमाज अदा करता है और वो 1.5 फिट लंबी है तो तब भी वो सुतरे के लिए काफ़ी हो जाएगी। बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि अगर सुतरे के लिए कोई चीज़ ना मिले और इंसान लकीर खींच ले तो ये लकीर उसके लिए सुतरा बन जाएगी। लकीर के लिए जिस हदीस से इस्तदलाल किया जाता है, उलमा ने उस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है, इसलिए उस हदीस को हुज्जत नहीं माना जाएगा। ये नाकाबिले एहतजाज है ज़ईफ होने की वजह से। कोई ऐसी चीज़ हो जो ऊंची हो और जिसका एतबार करके जिसको सुतरा बनाकर आदमी नमाज अदा कर सकता हो, ऐसी कोई ऊंची चीज़ होनी चाहिए। सुतरा वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है, इस बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। इमाम शौकानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अहादीस से जो ज़ाहिरी बात मालूम होती है कि सुतरा वाजिब है और इस वजूब से फेरने वाली कोई दलील हमारे पास नहीं पाई जाती, तो लिहाजा वजूब पर बरकरार रहते हुए चाहे अकेला आदमी नमाज पढ़े या जमात के पास साथ इंसान नमाज अदा करने का एहतमाम कर रहा हो, घर में हो, मस्जिद में हो, सहरा में नमाज अदा कर रहा हो, हर हालत में इंसान को सुतरे का एहतमाम करना चाहिए। सुतरा रख कर इंसान को नमाज अदा करना चाहिए, और अगर सुतरे के बगैर वो नमाज अदा कर रहा है, कोई उसके सामने से गुजर जाता है, तो ऐसी सूरत में चूंकि उसने एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत की है, बसाओकात वो आदमी हुक्म की मुखालफत की वजह से गुनहगार करार दिया जाएगा। और अगर वजूब का हुक्म तस्लीम ना भी किया जाए तो जम्हूर उलमा ने उसको सुन्नत मुअक्कदा कहा है, और सुन्नत मुअक्कदा का एक मुसलमान को एहतमाम करना चाहिए, उसमें तकसीर से काम नहीं लेनी चाहिए। एक मुसलमान का शेवा होता है, नमाज अदा करता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी सुन्नतें बयान की हैं सारी सुन्नतों का वो इल्तिज़ाम करता है, लिहाजा मुसलमानों को बग़ैर सुतरे के नमाज अदा करने से बचना चाहिए। आखिर में इस बात की तरफ मैं इशारा करना मुनासिब समझता हूँ कि बग़ैर सुतरे के नमाज अदा कर रहा है तो उसके सामने किसी मुसलमान को गुजरने से भी एहतराज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके सामने से गुजरेगा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए वईद बयान की कि इंतज़ार करना बेहतर था 40 दिन। सहाबी कहते हैं मुझे पता नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन कहे, 40 महीने कहे या 40 साल कहे। 40 दिन, 40 महीने, 40 साल इंतज़ार करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर था नमाजी के आगे से गुजरने से। बड़ी सख्त वईद है नमाजी के आगे गुजरने से, लिहाजा उसके सामने से गुजरने से बचना चाहिए। रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सुतरे का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम पर अमल करने वाला बनाकर ज़िंदा रखे। आमीन। व आखिर दुआना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।